डालो और कड़ाई से मारो ना भाई, तो मजबूत हो जाएगा लीडर। तेरह एकड़ के भूखंड पर प्रमोद महाजंग क्रीडांगन इसका नामकरण हुआ है। यहाँ पर शोबलीस नवरात्र उत्सव फिर एक बार आयोजित हो रहा है। डांडिया क्वीन फाल्गुनी फाटक जी आएंगी और मैं मानता हूँ कि बहुत ही उत्साह से भक्तजन इस साल नवरात्र में अपने आप को जोड़ने के लिए उत्सुक है और माता जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा अपेक्षा हम सब लोग मिलकर करेंगे। दो साल का इंतजार था, दो साल के बाद क्या नया रहेगा इस बार? नहीं, दो साल लोगों को गरबा खेलने को मिला नहीं और कोरोना का बहुत बड़ा एक संकट सबके दिलो दिमाग में था, उससे हम लोग बाहर निकले हैं और देश का वातावरण भी ठीक ठाक चल रहा है, इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है और माता जी से प्रार्थना करेंगे, जो महंगाई का एक मुद्दा सामान्य लोगों के दिलो दिमाग में है, नवरात्र के उत्सव के माध्यम से वो भी दूर हो जाए, ऐसा हम अपेक्षा करेंगे और दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और इस बार समय को लेकर क्या रहेगा, टाइम 10 रहे या 12 बजे तक किया जाए? समय अभी तक तो वह 10 बजे का ही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा समय खेलने के लिए मिले उस प्रकार का। लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे गर्भा? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी मुनाफा होगा वो कैंसर हॉस्पिटल को देने का ये नवरात्र उत्सव के आयोजकों ने निर्णय लिया, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और बोरेली के सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, कोरा केंद्र के ग्राउंड पर जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमको बनाना है, पूरा रिपोर्ट छपकर आया है कि मुंबई में कितनी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, उसके पीछे बहुत बैकलॉग हम जा रहे हैं और पॉलिटिकल गतिरोध उसमें बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने गलतियों को सुधार उसको ठीक ठाक करें, वरना माता जी से कहूँगा कि मुझे इतनी ताकत दे मैं सबका नाम एक्सपोज करूँ। गोपाल शेट्टी के माध्यम से वो नवरात्रि उत्सव फाल्गुनी पाठक दाता तैया जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत जोरदार मजे, क्योंकि दो साल जो कोरोना का माहौल था एक तो दुखद मजे जो एक पर्व चला गया, अभी अच्छा खुशी का माहौल है और सब लोग जोरदार तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी के हम लोग 200 PTF कैमरा जो CCTV कैमरा लग रहा है, फिर 20 जो सेफ्टी जो एंट्री रेट है वो वगैरह किया है और स्पेशली 200 बाउंसर, इसमें 100 लेडीज और 100 जेंट्स बाउंसर, सब ये सब सिक्योरिटी की बहुत सारे सब हम लोग ने व्यवस्था की हुई है। इसमें ड्रोन कैमरे भी शामिल है 100%, अगर ड्रोन का परमिशन हमने मांगा है ड्रोन कैमरा से, उनका परमिशन मिल गया तो हम लोग ड्रोन कैमरा। और दो साल बाद तैयारी, काफ़ी लोग उत्साह में है कि इस बार जोरदार होगा, तो और क्या अलग होने वाला है इस बार गरबा में उसके बारे में? 100% दो साल के बाद हो रहा है, लोगों में उत्साह है, फाल्गुनी मैडम आ रही है वगैरह वापस, लेकिन देखा कि अभी से ही भूमि पूजन जब से हुआ तो इसका इतना सारे इंक्वायरी आ रहा है तो वो एक अलग ही माहौल है। समय को लेकर क्या सर? हमारे खासदार गोपाल शेट्टी ऐसा दो दिन तो 12 बजे तक है, कोशिश कर रहे कि मुख्यमंत्री से निवेदन वगैरह कर रहे कि दो दिन और रात को 12 बजे तक चले बोलते। सबसे बड़ा सवाल का ये ग्राउंड है और हम लोग हर टाइम 40,000 पब्लिक के लिए करते हैं, इस बार हम लोग थोड़ा प्लेटफॉर्म लकड़ी का प्लेटफॉर्म और बड़ा कर रहे हैं, 50-60 हज़ार लोग जो आ सके इतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं।